और वो लोग ये समझ रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल होगा तो वो जाकर जंग का ऐलान कर देगा। और वो ये कह रहे थे कि यहूदी भाई भाई, इसलिए हम कहते हैं कि हम अपनी बरादरी को देख ले तो हम कहीं ना कहीं उनका एहसास करते हैं। उसने कहा कि ये हमारा यहूदी भाई है, अगर ये बादशाह बना तो हम भी बादशाही इसके साथ करेंगे, हम भी बड़े मर्तबों पर फाइज हो जाएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह बादशाही की बात नहीं करता, बल्कि वो अपनी बादशाही की बात करता है जिसका ना शुरू का पता है और जिसके ना इख्तिताम का किसी को खबर है।